तो हमारी पुरानी शॉप की उससे बिल्कुल डिफरेंट वैरायटी है यहाँ पर, नई चीजें सारी, रेट भी अच्छे हैं। ये ग्रिल है बड़े साइज की मेरे पास, ये मैनुअल बीटर, उसके बाद ये डोमेकर है, डोमेकर ये रोटी मेकर है, 10 इंच का साइज है इसका, नॉन एसी प्लेट के ऊपर है, एयर फ्रायर है, ठीक है, कैनी कंपनी का। देखिए केक मेकर है बड़ा अच्छा, ठीक है, ये आपने अच्छा यूजी जबरदस्त। एक नाइफ ये है, एक नाइफ ये है, ये इसका ले दिखा देता, ये प्रोफेशनल ड्रायर अगर किसको चाहिए कॉलर वगैरह के लिए तो ये वो है। बकराईद आने वाली है तो बकराईद के हवाले से मैं आपको कुछ चीज़ दिखाऊंगा, ठीक है ना, ये चीज़ नहीं ली तो कुछ नहीं लिया, ठीक है। ये चार प्लेट वाला बड़े साइज का है, बेस्ट लाइफ का बीटर है, इसी लंकन बीटर है, बड़ी अच्छी क्वालिटी, 1400 है। अच्छा, उसके बाद मेरे पास एक चीज़ आई है, बहुत से लोगों सिंगल चीज़ मांगते हैं, सिंगल मसाला पीसेंगे लिए गीला मसाला पीसेंगे, मीट मिंसर है, बकराईद आने वाली है, ये वाला पूछे अच्छी क्वालिटी का। अच्छा, उसके बाद फिर एक दो तीन चार, इनमें से कोई सा लेना पड़ेगा 1000 रुपए का, ये लॉट का है, ये लॉट का है ना, ये दोबारा मिलेगा नहीं, मतलब ये वो चीज़ है, ये वन टाइम वाली है, बड़ा वीआईपी सा बेहतरीन सा प्रोडक्ट, ये जर्मनी का थर्मास है। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं रूज और आप देख रहे हैं कराची के साथ यूट्यूब चैनल। सो व्यूअर्स, आप सबकी बहुत ज़्यादा फेवरेट शॉप एम ए ट्रेडर की नई ब्रांच खुल चुकी है, इनकी नई शॉप जो ओपन हुई है बहुत ज़बरदस्त लोकेशन पे ओपन हुई है, आगे चल के आप लोगों को कंप्लीट एड्रेस दिखाऊंगी, तो वीडियो को कंप्लीट देखिए क्योंकि आज की वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाली है। आज की वीडियो में आप लोगों को इतनी ज़बरदस्त किस्म की वैरायटी दिखाई जाएगी कि आप लोग देख देख के थक जाएंगे, बट वैरायटी ख़त्म नहीं होगी, बहुत धमाकेदार वैरायटी आई हुई है इनके पास, हर चीज़ आपको मिल जाएगी। और लास्ट वीडियो में आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कॉमेंट्स किए थे कि सेल सिर्फ ऑनलाइन क्यों है, तो भाई अब आप शॉप पर भी आके परचेजिंग कर सकते हैं। सो वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आए आपको एड्रेस समझा दूं, भाई एड्रेस गाइड कर दीजिए। देखिए एड्रेस बिल्कुल इजी है, हमारी जो पुरानी शॉप थी बिलाल सेंटर जी, गुल प्लाजा की बैक साइड पर है, आप दिखा दें सामने गुल प्लाजा है, इसके बिल्कुल बैक साइड पर हमारी पुरानी शॉप है एम ट्रेडर वाली, जो शॉप बिलाल सेंटर वाली, ठीक है। हमने नई जगह ली है, गाजियानी मॉल है, गाजियानी मॉल सामने लिखा हुआ बड़ा बोर्ड, पिलर के ऊपर हमारा बोर्ड लगा हुआ है एम ट्रेडर का, ठीक है, कि फ्रंट पे मेरी दुकान है एम ट्रेडर की, सही, वहाँ असल में पार्किंग इशू था, बिल्कुल लाइट का इशू था, तो वहाँ पर दुकान है, खत्म नहीं की है, और यहाँ इसीलिए भैया पार्किंग इजी आपके सामने पार्किंग इजी लगी हुई है, हमने ये दुकान ली कस्टमर की आसानी के लिए, ठीक है, वो दुकान खत्म नहीं की, जिसको वहाँ इजी लगता है वहाँ जाए, जिसको यहाँ इजी लगता है यहाँ पर। नंबर कौन सा है दुकान नंबर? दुकान नंबर जो है 6, 7, 10 और 11, फ्रंट पे दुकान है, बिल्कुल फ्रंट की आप देखा दें, बिल्कुल फ्रंट पे दुकान, ये फ्रंट की दुकान मेरी है सारी, ये बोर्ड लगा के ऊपर, अक्सर व्यूअर्स कहते हैं लोकेशन बताइए एड्रेस नहीं बताया, सिंपल लोकेशन है सिटी मॉल और सेंट्रल मॉल के बिल्कुल दरमियान में, बिल्कुल सिटी और सेंट्रल लोग जानते हैं, सही हो गया, सिटी और सेंट्रल के बिल्कुल दरमियान में गाजियानी है, मैं आपको दिखा देती हूं, सिटी मॉल सामने है, सिटी मॉल, ठीक है, और वो आगे सेंट्रल मॉल है, बराबर प्लाजा मॉल, और ये बीच में गाजियानी है, गाजियानी के अंदर दुकान है मेरी, ये देखिए, ये अल्ती, ये गुलतीजारा बन रहा है नया मॉल, ये नया मॉल है गुलतीजारा, उसके बराबर में गुल प्लाजा है, अच्छा, इजी एड्रेस है, आसानी से आ जाएंगे आप लोग। अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। अदनान भाई सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो नई शॉप की, खैर मुबारक, और ये बता दें नई शॉप पे वैरायटी भी न्यू आई है? बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारी पुरानी शॉप थी उससे बिल्कुल डिफरेंट वैरायटी है यहाँ पर, नई चीजें सारी, रेट भी अच्छे हैं, आपको पता है महंगाई माशाल्लाह भी बहुत आसमानों पर बातें कर रही है, महंगाई इतनी महंगी है, पर हमने यहाँ पर रेट अपने बिल्कुल मुनासिब रखे हैं पहले की तरह, चीजें भी सारी नई है, वैरायटी भी सारी नई है, सारी नई वैरायटी, देखने वालों को मतलब अच्छी चीज मिलेगी इंशाल्लाह, और प्राइसेस तो रीजनेबल ही हैं। नहीं नहीं, प्राइस तो हमारे आपको पता है शुरू से रीजनेबल प्राइस है हमारे, अब मैं महंगाई के बाद पूछ रही हूँ, अब तो ज्यादा महंगाई हो गई है, महंगाई के बाद भी एम ए ट्रेडर का नाम ही सबसे सस्ता है, एम ए ट्रेडर का स्लोगन क्या है, सबसे सस्ता, छुपा दिया जी लगा हुआ है, अच्छा सबसे सस्ता, अच्छा सबसे सस्ता एम ए ट्रेडर, सबसे सस्ता एम ए ट्रेडर, चले अब स्टार्ट करते हैं, धान गई कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले क्या दिखाएंगे? सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ब्लेंडर से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ब्लेंडर है प्लान कंपनी का है, ठीक है, पहले भी दिखाया है बहुत सारी वीडियो में, दिखाया है पहले भी हम लोगों ने, छोटा ब्लेंडर है, छोटी फैमिली के लिए होता है, पिंक कलर की, मतलब पिंक और ब्लैक दो कलर में, ठीक है, छोटा सा ग्लास है, दो कटोरी है, 4500 रुपए का था, ये सेल में उन्होंने कम का बेचा था, इसके एक्चुअल प्राइस जो थे वो 4500 रुपए थे, हम लोगों ने अभी 4200 रुपए का किया, 4200 रुपए का है, ठीक है, कंपनी का है, ये भी खूबसूरत सा है, क्वीन वन है, एक जगह है और एक कटोरी है, अच्छी क्वालिटी की बनी है, ये वाला 4500 रुपए का पड़ेगा, अच्छा। मार्केट में 4800 रुपए, हमने 4500 रुपए का रखा हुआ है, ठीक है, उसके बाद रोटी मेकर है ये, अच्छा ये रोटी मेकर, कोई सी भी कंपनी का ले लें, हल्का हल्का रोटी मेकर भी 6000 से कम नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है, 6000 से कम कोई रोटी मेकर नहीं, हम भी 5500 का बेच रहे थे, हम लोगों ने फिर थोड़े रेट और कम कर दिए, 5200 रुपए का कर दिया, 5200 का कर दिया,
पिज्जा मेकर एक बड़ा प्यार पिज्जा मेकर, पिज्जा बनाना है आपको, पराठे बनाना है, दोनों काम कर सकते हैं। ठीक है, पिज्जा मेकर लेना है आपको किसी को, 7,800 रुपए का, 7,800 रुपए का। ठीक है, उसके बाद अभी ये फिर थोड़े से मेरे पास लाट के हैं सारे, ज्यादा नहीं, ये पीस बहुत कम है। अच्छा, लिमिटेड है। डिफरेंट वैरायटीज के अंदर मफिन मेकर है, सैंडविच मेकर है, पिपिनी मेकर है, अलग अलग चीजें इसके अंदर, अलग अलग चीजें सारी अलग अलग प्राइस की है। 4,000 का भी है, 4,500 का भी है, 3,000 का भी है, मुख्तलिफ प्राइस पर है। सैंडविच मेकर है बड़ी स्लाइस वाला, एमटीन का है, बड़ी स्लाइस 4,000 रुपए का है। अच्छा, ठीक है, उसको एक ग्रिल है, ग्रिल में आपको इंशाल्लाह एंड में जो है वो आपको एंड में दिखाएंगे, हम लोग डिस्प्ले करके दिखाएंगे। मल्टी प्रो है, फूड फैक्ट्री 11 in 1। अच्छा, ठीक है, मार्केट प्राइस की 9,500 रुपए की है, 9,500 से कम नहीं मिलेगी। अनब्रेकेबल जैकेट है, वारंटी के साथ है, और हम लोग दे रहे हैं 8,500 रुपए की, 8,500 रुपए की। सही, ये तोशिबा के नाम से है ये। अच्छा, और ये वेस्टर्न के नाम से पीछे रखी हुई है। ये थोड़ी सी क्वालिटी में हल्की, पर चीज वही नहीं है, एक मतलब फिनिशिंग का फर्क होता है। ये 8,000 की मार्केट प्राइस है, हमने 7,500 रुपए की डाली हुई है। ठीक है, 7,500 रुपए की है। उसके बाद डिज्नी का इटली का ब्लेंडर है, मेरे पास पहले किसी था एक इंडियन ब्लेंडर, मैंने बहुत बेचा, पर आपको इंडिया का माल रखने में लोगों के लिए बेकार है, मतलब गुना एक तरीके से। अच्छा, मैंने उसी की तरीके के कॉपी मंगाया, ये इटालियन है, इटली का है, ये 8,500 रुपए के प्राइस है, हमने रखा हुआ सिर्फ 7,500 रुपए का, 7,500 रुपए। उसके बाद ये ग्राइंडर है, मेरे पास ग्रैंडी की बहुत सारी वेरायटी है, बहुत सारी क्वालिटी के ग्राइंडर पड़े मेरे पास। सबसे अच्छा ग्राइंडर है वो ये फिर जोबेक कंपनी का है। अच्छा, और ये कितने का दाम है? ये इसकी वैसे मार्केट प्राइस 2500 रुपए, हम लोगों ने सिर्फ 2200 रुपए का, 2200 रुपए, 2200। ठीक है, उसके बाद ये जीपास का है, दुबई का है। ठीक है, इसकी मार्केट प्राइस 2200 रुपए की है। ये का दिखा दें, इसका थोड़ा लुक जो है वो अच्छा लग रहा है। इसकी मार्केट प्राइस जो है वो 2200 रुपए की है, हमने रखा हुआ है 1850 रुपए, 1850। कम पैसों में अच्छी चीज लेनी है अगर किसी को, बेहतरीन है। बोल है, और ये इसका कैप है, कैप ही के ऊपर का लॉग है, जबरदस्त कैप पे लॉग है। ठीक है, ये आप ऊपर से दबाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा। अच्छा, 1850 रुपए का, सिर्फ 1850। उसके बाद फिर ये की है, ये तो मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया था आपकी, क्वालिटी वाइज बेस्ट है, एरोमोन का है, 2000 रुपए का है, वही रेट है पुराने पुराने। महंगाई बढ़ गई है, हर चीज के रेट बढ़ गए हैं, पर हमारे रेट अभी वही है, अभी 2 महीने पहले भी 2000 का था, अभी भी 2000 रुपए का। ऐसा नहीं कि महंगाई होगा तो हमने वाला 2500 का कर दें, वही 2000 रुपए का रेट रखेंगे। ठीक है, ठीक है। देखिये दूरी कटर है, अच्छी क्वालिटी वाला है, 4 ब्लेड का। ठीक है, 650 रुपए प्राइस है, हमने 550 रुपए कर दिए हैं, 550 रुपए। मतलब महंगाई के अंदर भी हम लोगों ने रेट गिराए हुए हैं, कम रखे हैं, बढ़ाए नहीं है रेट किसी चीज के भी। इसी तरीके से छोटा साइज में मार्केट 400 रुपए की चल रही है, हमने 350 रुपए का कर दिया ये। ठीक है, उसके बाद ये नीमा का 2 in 1 है। ठीक है, 1800 रुपए प्राइस है, हमने कर दिया 1500 रुपए का, 1500। ड्राई प्लस वेट दोनों चीजों के लिए, गीला भी पीसेगा, सूखा भी पीसेगा। ये बड़ा साइज है और ये छोटा साइज है। छोटा तो सिर्फ सिंगल ड्राई के लिए होता है ना, ड्राई मसालों के लिए, डबल 2 in 1 है। अच्छा, ठीक है, 1500 रुपए का है, और छोटा कर लेना आपको तो ये पड़ेगा आपको 850 रुपए का, 850 रुपए का। ठीक है, उसके बाद स्कारलेट का बेटर है और ये कैनवुड का बेटर है, इनमें से कोई सा भी लेना 950 रुपए का है, 950 रुपए का पड़ेगा। उसके बाद ये बेटर है नेशनल के नाम से, ये अच्छी क्वालिटी का, भारी है थोड़ा वेट में, ये लेना तो 1000 रुपए का पड़ेगा। अच्छा, ये फिर सैलेड कटर है, गोल राउंड कटर, 800 प्राइस चल रही है इसकी, हमने 750 रुपए का कर दिया। ठीक है, ये डायक का ब्लेंडर है, मार्केट प्राइस की 5,000 रुपए, हमने कर दिया 4,250 रुपए का, 4,250 रुपए का। ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये चॉपर, मैनुअल चॉपर एक पहले भी दिखाया कि मैनुअल चॉपर है। ठीक है, मार्केट प्राइस 1800 रुपए है, 2000 रुपए, मतलब इस तरीके से बिकता ही है। अच्छा, हम लोगों ने सिर्फ 1350 में डाला हुआ है, 1350 में। अच्छा, ये अदनान भाई लास्ट में हम दिखाएंगे, हाँ इसको दिखाएंगे इंशाल्लाह, इसका हम लोग डेमो करेंगे। और इस तरीके से सैलेड कटर है, ठीक है, मार्केट प्राइस 2200 रुपए, हमने 1450 रुपए किए, 1450 रुपए। उसके बाद बिस्लर है, बीटर है, ये मैनुअल बीटर है। ठीक है, मार्केट प्राइस 700 रुपए का, पर हमने किया 500 रुपए का, जबरदस्त। कितने का? 500 रुपए का, वो तो हो गया, 500 रुपए का है। ठीक है ना, उसके बाद ये बीटर है, बॉश कंपनी का मेरे पास, इसकी मार्केट प्राइस कम से कम भी 2500 2000 से कम नहीं बिकता है।
पर हम लोग बेच रहे 1500 रुपए का सिर्फ 1500 रुपए का। मतलब महंगाई के दौर में भी लोग पिछली वीडियो भी देखेंगे ना, 6 महीने पुरानी तब भी 1500 रुपए का था, तो आज भी 1500 रुपए का है। हमारे मतलब एमएट रेट पे कोई महंगाई नहीं हुई है अभी, एमएट रेट पे अभी भी वही रेट है, वही पुराने 6 महीने पहले थे। इसका ये पेंटी का बीटर है, ठीक है, ये बीटर 2000 रुपए का है। अच्छा, पर ये लिमिटेड है ना, स्टॉक ज्यादा इसका नहीं है, लिमिटेड मिलेगा ये आपको। अच्छा, जो पहले ऑर्डर कर लेगा तो जो पहले कर लेगा उसको मिल जाएगा, ठीक है। बेस्ट लाइफ का बीटर है, श्रीलंकन बीटर है, बड़ी अच्छी क्वालिटी का है, 16 स्पीड का ना, डिजिटल है ये, ठीक है ना। ये 3500 रुपए का था, हमने 2500 रुपए का कर दिया ये। अच्छा, 2500 रुपए में देंगे वाला। उसके बाद ये मॉडली है और एक ये रफ कट सनी मेकर है, दोनों में से कोई सा भी लेना 2200-2200 रुपए के, ठीक है। उसके बाद ये ले लें फिलिप्स कंपनी का, ये पड़ेगा 2000 रुपए का। कॉपी के ना, उसके बाद ये सुकेनी का हैंड ब्लेंडर है, ठीक है, 2800-2900 रुपए प्राइस चल रही है इसकी, पर हम लोगों ने 2300 रुपए का कर दिया। अच्छा, 2300 रुपए। उसके बाद ये कैनवुड के नाम से बीटर है, हैंड ब्लेंडर, ठीक है, ये भी तकरीबन 2800 रुपए का है, हम लोगों ने 2100 रुपए का कर दिया ये, ठीक है। उसके बाद ये मॉलिनेट का है, स्टील की इसकी मतलब वो है और प्लास्टिक इसकी बॉडी है और ग्लास के साथ है, ये 1950 रुपए का पड़ेगा, ठीक है। प्लास्टिक वाली आयरन है, ड्राई आयरन, बड़ी अच्छी क्वालिटी की आयरन है, ठीक है। इसकी मार्केट प्राइस 2200 रुपए की है, पर हमने क्या उसे 1500 रुपए, ठीक है। उसके बाद कॉस्मोस की आयरन है, अच्छा इसमें थोड़े से पैसे बढ़े हैं, थोड़े से मतलब 2500 रुपए, हाँ, क्योंकि नई इम्पोर्ट है तो थोड़ा पैसा बढ़ा है, महंगा हो गया। ये 1500 रुपए की, पहले मैंने 1250 की बेची, अभी 1500 रुपए की। उसके बाद फिर ये चार्जेबल यूजर है, ये पावर बैंक वाला है, मार्केट प्राइस 1200-1250 इस तरीके का बिकता है, पर हमारे पास सिर्फ 900 रुपए का, ठीक है, 900 रुपए का। ये ईमान की आयरन है, ठीक है ना, 2200 रुपए प्राइस थी इसकी, हमने 2000 रुपए कर दी, 2000 रुपए, ठीक है। टिफाल की आयरन अच्छी, मेरे पास क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसने ऑर्डर कर दिया, पहले उसको मिल जाएगी। ओके, टिफाल की 2800 रुपए की थी, 2400 रुपए कर दी, सही। उसके बाद गैलेक्सी की आयरन है, 2250 रुपए की थी, 1950 रुपए कर दी है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास एक ही चीज़ आई है, अच्छा बहुत से लोग होते हैं जो सिंगल चीज़ मांगते हैं कि भाई सिंगल मसाला पीसने के लिए, गीला मसाला पीसने के लिए, बहुत कम अवेलेबल होती है मार्केट में ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो ये मेरे पास आई है, दिखाता हूँ आपको, ये लिक्विड मसालों के लिए है, आपके लिक्विड मसाले आपको पीसना, हरा मसाला हो गया, चटनी हो गई, टमाटर वगैरह पीसना, उसके लिए आपने ब्रेड, इसका बड़ा शार्प है, थोड़ा हाथ बचा के काम करना है, ब्लेड लग जाएगा यहाँ पर सिंपल सा, उसके ऊपर कैप आ जाएगा इसका, ऊपर मोटर आ जाएगी, अच्छा, ठीक है। मार्केट में तो खैर है नहीं वैसे किसी के पास ये, पर फिर भी अगर आप ऑनलाइन देखेंगे तो तकरीबन 2000-2200-2500 से कम नहीं मिलता। और आप कितने की दे रहे हैं? हमारे पास 1800 रुपए, 1800 रुपए का मिलेगा। विटामैक्स की आयरन है, ये 3 आयरन है विटामैक्स में, एक ही आयरन है, 1950 रुपए की है, ठीक है, ये वाली 1550 रुपए की है, और नीचे जो बड़ी हुई है ना, ये वाली आपको पड़ेगी 2100 रुपए की, 2100 रुपए, 5 साल वारंटी है, हार्ट फूड दूसरा हैगर कंपनी का, ठीक है ना, 5500 रुपए प्राइस चल रहा है मार्केट में इसके, पर हम लोग बेच रहे थे उसे 5000 रुपए का, 5000 रुपए का बेच रहे थे, ठीक है। ये फिर एनएक्स प्लस का मेरे पास 3-in-1 का ब्लेंडर है, ठीक है ना, अच्छी क्वालिटी का ब्लेंडर लेते हैं तो कम से कम भी 6500-7000 तक ब्लेंडर नहीं मिलेगा आपको मार्केट में, पर मेरे पास पड़ेगा आपको 4000 रुपए का, 4000 वारंटी के साथ, 2 साल वारंटी है, 4000 रुपए का है, ठीक है। और इंपोर्टेड में अगर आप लेते हैं, ग्लास वाला है, कमर्शियल यूज के लिए बना हुआ है, ठीक है, अच्छा खासा वेट है इसका, ठीक है। अगर ये आप लेते हैं तो ये आपको पड़ेगा 4500 रुपए का, 4500 रुपए, डियर कंपनी का, ठीक है। मीट मिंसर है, बकरायत आने वाली है, बकरायत के हवाले से बेहतरीन चीज है ये मीट मिंसर, 9000-9500 मार्केट प्राइस है इसके, पर हमारे पास आपको पड़ेगा 8200 रुपए का, 8200 रुपए। स्पीकर हैं इसी तरीके से मेरे पास, अलग अलग क्वालिटी के सारे, ये सारे 1, 2, 3, 4, 5 मॉडल हैं सारे, कोई सा भी मॉडल, कोई सा भी स्पीकर लेना 1000 रुपए का। उसके बाद ये कि पॉलिश का हैंड ब्लेंडर सेट है, ये अच्छी क्वालिटी का है, बहुत बेहतरीन, बहुत फाइन बना हुआ भी है क्वालिटी में ना, इसकी मार्केट प्राइस 10000-12000 रुपये चल रही है, स्विट्जरलैंड का है, ठीक है ना, पर हमारे पास 5000 रुपये, 5000, ठीक है। केक मेकर है, केक मेकर, ठीक है, इसकी प्राइस 4000 रुपए की, हमने 3300 रुपए कर दी, 3300, 3300, सही। ये वैक्यूम है, वैक्यूम प्लस ब्लोअर है, ठीक है ना, ये तकरीबन 7000 रुपए की मार्केट प्राइस, और हम लोगों ने 5000 रुपए का कर दिया, 5000 रुपए। ये कैप्सूल वैक्यूम है उसी तरीके का, इसकी 9000-9500 रुपए मार्केट प्राइस है, हमने 7000 रुपए का कर दिया, ये वाला 5000 का है, ये 7000 का है, ठीक है। ये राइस कुकर है, राइस कुकर हमने पहले 2 महीने पहले भी 3600 का बेचा है, अभी भी 3600 रुपए का ही है, अभी भी 3600 का। चाहे तो हम भी कह सकते हैं भाई माल खत्म हो गया, नया माल है, महंगा कर सकते हैं, 4000 का कर दिया पहले, पर नहीं, जितने की पहले की परचेसिंग है अलहमदिल्ला उसमें भी प्रॉफिट आ रहा है, थोड़ा सा बच रहा है, जो भी बच रहा है सुकून वाला, 3600 रुपए का, अभी भी 3600 रुपए का ही है।
ग्राइंडर है मेरे पास, पावरफुल ग्राइंडर 150 ग्राम का है, ठीक है ना। मार्केट में 5,500-6,000 रुपए का बिक रहा है, ठीक है, 4,500 रुपए का पड़ेगा। उसके बाद ये 400 ग्राम का है इसका, इसमें लोकल भी आता है और ओरिजिनल भी आता है, ठीक है ना। लोकल वाला जो 400 ग्राम है वो आपको पड़ेगा 6,500-6,000 रुपए का मेरे ख्याल से, पर मैं नहीं रखता वो, और ओरिजिनल वाला 8,500 रुपए, 8,500 रुपए, ठीक है। उसके बाद फिर ये हमारी लेडीज के जो स्ट्रेटनर मतलब ख्वाहिशात पसंदीदा चीजें वो मेरे पास मौजूद है सारी, अलग अलग डिफरेंट वैरायटी की, सारी लॉर्ड वाली अच्छी क्वालिटी के साथ। अच्छा। ऐसी चीजें जो देखी नहीं होगी वो चीजें, ये रॉड में 1, 2, 3, 4 किस्म की, ठीक है टॉम 1, 2, 3, ये तीन में से कोई सी भी लेंगे 1,600 रुपए की, ठीक है ये वाले लेंगे तो 1,800 रुपए, वो 1,800 रुपए, ये डिजिटल है। अच्छा, ठीक है, इसमें टेम्परेचर शो होता है, ठीक है, ठीक है। मैं आपको एक दिखा देता हूँ कॉल करता के लेडीज देख लेंगी तो उनको ज्यादा इजी हो जाएगा लेने में। यूनो का बटन है इसका, ठीक है, आपको दोबारा बता दिया इनके रेट। उसके बाद फिर ब्रश है, पांच ब्रश, ठीक है ना, मार्केट प्राइस की 1,200 रुपए की है, 1,000 रुपए का दे रहे हैं सिर्फ। अच्छा, ये वाला ब्रश अच्छी क्वालिटी का ब्रश है, ठीक है ना, ये लेंगे तो एक पड़ेगा 2,500 रुपए का, 2,500 रुपए। ये स्ट्रेट लेंगे, 2-in-1 है रिबन का, ये स्ट्रेट भी करता है रोल भी करता है, अगर ये लेंगे तो पड़ेगा 1,700 रुपए का, ठीक है। ये भी स्ट्रेटनर और प्लस रोलर है, 2-in-1 है ये भी, अगर ये लेंगे आपको तो पड़ेगा 1,500 रुपए का, ठीक है। अब ये भी ब्रश है, पहले जो दिखाया था आपको अच्छी क्वालिटी का रोल था, इससे थोड़ी सी लो क्वालिटी का, ये 1,500 रुपए का पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये अच्छी क्वालिटी का स्ट्रेटनर है, डिजिटल है, 2,500 रुपए का, 2,500 सही है। एक ये 2,500 रुपए का है और एक 2,500 रुपए का, ठीक है। उसके बाद 1, 2, 3, इन तीन में से कोई सा भी ले लें आप, ये 1,800 रुपए का, 1,800, 1, 2, 3, अच्छा, ये 1,800 रुपए, ये 2,500 रुपए का है, ये 2,500 रुपए का, ठीक है। उसके बाद एक ये स्ट्रेटनर मास कंपनी का, बड़ा प्यारा है, बहुत अच्छी क्वालिटी में, फाइन क्वालिटी बना हुआ है, मार्केट की तकरीबन 4,500-5,000 रुपए, हम लोग बेच रहे हैं 2,500 रुपए, ये भी 2,500 रुपए का दे रहे हैं, 2,500। देखिए ये मेरे पास एक टॉम ही 5 रॉड वाली टॉम है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ये कमर्शियल यूज में ज़्यादा चलती है, ज़्यादातर पैकिंग चेक करें इसकी आप, ग्लव्स वगैरह सब इसके ना, ग्लव्स है, क्लिप है, सॉरी। अच्छा, ठीक है, इसकी मार्केट प्राइस कुछ नहीं, तकरीबन 4,500-4,500 रुपये, पर हम लोग देंगे 2,500 रुपए, 2,500। ये कमर्शियल यूज वाले जो पॉलर वाले ना, सलून वाले, उन लोगों के लिए जो सलून वगैरह चलाते हैं, 2,500 रुपए की है, ठीक है। उसके बाद ये शिनोन का स्ट्रेटनर है, 3-in-1 है, स्ट्रेटनर प्लस क्रिम्पर और रोलर तीनों चीजें, 1,450 रुपए की होलसेल प्राइस मार्केट चल रही है, होलसेल, रिटेल नहीं बता रहा मैं, होलसेल बता रहा हूँ, हम लोग दे रहे 1,300 रुपए का, 1,300 रुपए का। उसी तरीके से फिर ये एक ये 2-in-1 स्ट्रेटनर प्लस क्रिम्पर है, शिनोन कंपनी का, 3,000 रुपए प्राइस है, हम लोग दे रहे हैं सिर्फ 1,800 रुपए का, 1,800 रुपए का। अब इसका वेट चेक करें, वेट के साथ ऐसा नहीं, हल्की चीज़ है, क्वालिटी भी है चीज़ की, देखिए। फिर ये उसके बाद मेरे पास ये स्ट्रेटनर है, दो, इन दोनों में से कोई सा भी स्ट्रेटनर लेना 1,000 रुपए का, 1,000 रुपए, इन दोनों में से कोई भी लेना, थोड़ा तेज़ 1,000 रुपए का पड़ेगा, इन दोनों में से कोई सा भी स्ट्रेटनर लेंगे 1,000 रुपए का। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ये फैन आया हुआ है, एक चार्जेबल फैन है छोटा सा, अच्छा, सेल लगा हुआ इसके अंदर, 350 रुपए प्राइस है, इस तरीके का, अच्छा, जल गया, ठीक है। एक बंदे के लिए नॉर्मल था वो, बस या बच्चों के लिए, बच्चों के लिए, हाँ, छोटे जो बच्चे, ठीक है, लाइट भी लगी हुई। उसके बाद ये ह्यूमिडिफायर है मेरे पास, एक और दो, दो किस्म के अलग तरीके के हैं, इन दो में से कोई सा भी लेंगे आप तो पड़ेगा आपको 650 रुपए का, अच्छा, ठीक है। उसके बाद फिर ये 1, 2, 3, 4 इनमें से कोई सा भी लेने पड़ेगा 1,000 रुपए का आपको, अच्छा, एक दो इनमें से एक हाथ दिखा दें कोई, ताकि आईडिया हो जाए। मैं आपका फेवरेट दिखाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, ये वुड पे बना हुआ है, अच्छा, ये वुड वाला है, बड़ा प्यारा स्प्रे टाइप का, यहाँ से 1,000 रुपए का, 1,000 रुपए का, गुड हो गया। टच बटन है इसका, आपने कॉल करके प्रेस करना ही ऑन हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद ये फिर छोटी ड्रायर अगर किसी को चाहिए छोटे साइज में ड्रायर, तो छोटे साइज में ड्रायर 700 रुपए का है, ठीक है। उसके बाद ये वाला ड्रायर 1800 रुपए का है, ये 1800 रुपए का है। अच्छा, ये प्रोफेशनल ड्रायर अगर किसी को चाहिए कॉलर वगैरह के लिए तो ये वो है कॉलर के लिए। ये अगर किसी को चाहिए तो ये पड़ेगा 2200 रुपए का। इसकी क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा अच्छी है, अच्छी क्वालिटी का है ये, 2200 रुपए का पड़ेगा। उसके बाद एक ये फेस फ्रेशनर है, ठीक है। अच्छा, हाँ, ये तो बड़ा प्यारा खूबसूरत सा है। सही, हमने इसमें पानी डालना है। सही, ऑफ हो गया, आपने पानी डाला इसके अंदर, आप कैसे करेंगे तो यहाँ से एयर निकलती है, ठीक है। ये बड़ा प्यारा सा है, ठीक है, इसे कुर्सी 1000 रुपये का पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद ये कील मूव है, कील वगैरह निकालने के लिए होता है, लेडीज वगैरह कील वगैरह निकालने, 850 रुपए का, 850 रुपए का सिर्फ। अच्छा, उसके बाद फिर ये हॉट वैक्स है। अच्छा, एक हॉट वैक्स होती है जो बनानी पड़ती है जी, पर ये वाली ये अंदर इसकी स्टील लगा हुआ है, ये आप उसको मतलब जब तार लगाएंगे ऑन होगा, इसको गर्म करेगा और यहाँ से इसकी निकलना शुरू हो जाएगी। देखिए मेरे घर की, मेरे ख्याल से हाथ पे। अच्छा, और ये कितने की? 1300 रुपए की। 1300 रुपए, 1300 रुपए, ठीक है। उसके बाद एक मसाजर, एक बॉडी मसाजर है, बड़ा प्यारा सा। सही, 6000 रुपए इसकी मार्केट प्राइस है। 6000 पर हम लोग दे रहे हैं 3500 रुपए का। 3500 रुपए का। ये फेस मसाजर है, उसके बाद ठीक है, 1350 रुपए इसके होलसेल मतलब मार्केट प्राइस चल रही है। 1400 है, ठीक है, पर हम लोग दे रहे हैं 1000 रुपए का। 1000 रुपए का ये दिखा देंगे दुकान पे, ये बिल दोबारा से, ठीक है। 1000 रुपए का पड़ेगा सिर्फ, 1000 रुपए का। अच्छा, ठीक है, किचन स्केल है, 750 रुपए प्राइस चल रही है, हमने 550 रुपए का किया हुआ है। भाई बकरा ईद पे गोश्त वगैरह नाप तोल करनी है, के लिए बेहतरीन चीज है, आपको वही नाप तोल करना है। बड़ा बतला होता है किसी रिश्तेदार के, आप एक बूटी कम दे देना, आपको बातें सुनाता है, तो भाई नाप तोल के दे ताकि आपको आसानी हो ना, किसी की बात ना सुनने को मिले, बल्कि ऊपर से शॉपर पे वेट भी लिख के, वेट लिख कर देंगे भाई, मैंने वो वेट किया हुआ है, ये भी कम है, ठीक है। प्राइस के लिए होता है 1200 रुपए प्राइस चल रही है इसकी, हमने 1100 रुपए का कर दिया, 1100 होलसेल 1200 चल रही है, ठीक है, हमने 1100 रिटेल तो की 1500 से ऊपर है। छोटे स्ट्रेटनर दिखाइए ना दादा, ये छोटा मिनी स्ट्रेटनर है, 400-500 रुपए मार्केट है इसकी, ठीक है, हम लोगों ने कर दिया इसको सिर्फ 300 रुपए का। 300 रुपए का। उसके बाद देखिए, मेरे ख्याल से पहले वाली वीडियो में भी दिखाया आपकी शायद जी, वो है 650 रुपए का है, इसकी क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा बेहतर है उससे। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये और चीज़ भी, पर इसके भी रेट आए नहीं मेरे पास, ये नील नाखून वगैरह के लिए होता है, नाखून तराशने के लिए, पता है उसका रेट नहीं है पर अभी। अच्छा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे तो उसके रेट बताएंगे हम, ठीक है। उसके बाद ये रोलर है, फेस रोलर है ये, ठीक है, 200 रुपए का, ये 200 रुपए का, मार्बल वाला, 350 रुपए ऑनलाइन आराम से बिक रहा है, मैंने खुद देखा है कितने लोगों को 350 रुपए का आराम से बिकता है ये। सलून वगैरह में बड़ी डिमांड है इसकी, पहले वाली वीडियो में दिखाया आपकी, तब भी 800 रुपए का था, अभी भी 800 रुपए का, अभी भी 800 रुपए का, महीनों बाद भी कोई फर्क नहीं आया। ये डिंगलिंग वाला अगर किसी को लेना तो 1500 रुपए का। अच्छा, ये 1500 रुपए का पड़ेगा डिंगलिंग का। अच्छा, अच्छी क्वालिटी का है यार, लोकल वाला नहीं, मतलब 850 का भी आता है, है क्वांटिटी में? नहीं, क्वांटिटी नहीं, इनकी गिनती के पीस है, फिर वही वीडियो में डालने के बाद नहीं आ पाएगा। ये वाला दिखा देने, ये डेलिंग का है, सही है ना, ये वाला लेंगे तो 1550 का पड़ेगा। ये 1 2 3 तीन मॉडल, तीनों में से कोई सा अवेलेबल, 1 2 3 4 5 इनमें से कोई सा मॉडल लेना आपको 1500 रुपए का पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद 3-in-1 है, नोज कटर है, ट्रिमर है और शेवर है, ठीक है। इसकी मार्केट प्राइस 950 रुपये चल रही है, हमने 800 रुपये का किया हुआ है, 850 रुपये का। इसके बाद गर्म मसाजर, बॉडी मसाजर,
इसको भी दिखा दूं, मैंने कहा थोड़ा सा डेमो शेमो करके इसका। ये ऑन हो गया, इसकी स्पीड 32 तक जाएगी। सही, ठीक है। अच्छा, इसको जितना प्रेस करेंगे उतना ज्यादा है। सही, 2500 रुपये मार्केट प्राइस चल रही है, पर हम लोगों ने इसको क्या उसे 2250 रुपये का। ठीक है, तो ये लॉट का है, ये लॉट का है ना, ये दोबारा मिलेगा नहीं, मतलब ये वो चीज़ है, ये वन टाइम वाली है। अच्छा, जिसके क्लीमेंस आ रहे हैं, अलग अलग साइज हैं। ठीक है, 3000 मार्केट प्राइस है इसके। अच्छा, पर आपको हमारे पास मिलेगा सिर्फ 2000 रुपये का। 2000 रुपये का क्वालिटी में बेस्ट है। सलून वालों को चाहिए किसी को, या फिर पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए, तो बेहतरीन चीज़ है। अच्छा, अच्छी क्वालिटी में। ठीक है, उसके बाद छोटा मसाजर है, ये बड़ा मसाजर दिखाया आपको, उसका छोटा मसाजर है, 950 रुपये प्राइस है मार्केट इसके, पर हमारे पास 750 रुपये का। 750 रुपये का। ठीक है, देखिए बकराईद आने वाली है, तो बकराईद के हवाले से मैं आपको कुछ चीज़ दिखाऊंगा। ठीक है ना, ये चीज़ नहीं ली तो कुछ नहीं लिया। अच्छा, हाँ, गाय भी नहीं ली तो चलेगा, गोश्त तो बाहर से आ जाएगा ना। अच्छा, गाय लेने वाली अभी इस्तेमाल है भी नहीं इंसानों की, इतना इतनी महंगी मंडी चल रही है कि आप 100,000 जो जानवर पिछले साल का 80-90,000 का था ना, अभी 3-3 लाख रुपए का जानवर है। तो जो कर सकता है वही करेगा, वैसे अल्लाह ताला सबको दे, हर बंदा करे, पर गोश्त खाने के अल्लाह ताला सबको देता है कि गोश्त तो हर बंदा खाता है। ठीक है, ये 4 प्लेट अलग है इसके, और इसके 2 प्लेट अलग है। ठीक है, ये अनब्रेकेबल बॉल के अंदर है, पटक कर कहीं नहीं जाता ये। तो आप टेबल पे मारे, जमीन पे मारेंगे? नहीं, जमीन पे मारूंगा तभी नहीं टूटेगा, जमीन पे कहां मारूं मैं, यहां पर दिखेगा नहीं। यहां दिखा देते, टूटा नहीं कहीं से भी। ठीक, ओके, एकदम आप जैसे मर्जी ऐसे दिखा लें इसको। ठीक है भाई, यार लो, फिर दोबारा गिर गया, कुदरती तौर पे दोबारा गिर गया ये। अनब्रेकेबल है, अनब्रेकेबल है। ठीक है, जबरदस्त। ये 4 ब्लेड लगाए आपने, ठीक है, ज्यादा क्वांटिटी में काम करना है तो आपको। ठीक है, ऊपर ये मोटर रख दी हमने इसकी, अच्छा हो जाएगा। आपने छोटा कम क्वांटिटी में काम करना है तो आप 2 ब्लेड लगा लेना फिर। अच्छा, सही, ठीक है, कोई सिंपल सा इसका है, ज्यादा कोई ऐसा नहीं है। इसकी मार्केट प्राइस जो है अभी कम से कम भी 3500 रुपये चल रही है तकरीबन। ठीक है, पर हम लोगों ने अभी भी वही रेट सस्ते रखे हैं, 2200 रुपये का है। ठीक है, 2200 रुपये का है भाई। अगर आप बाहर से कीमा बनवाने भी जाते हो ना अपने, मतलब जानवर का कीमा, तो वो भी आपको 3-3500 रुपये का पड़ जाएगा। घर में बैठे बैठे करते हैं, जो मर्जी करना, जितना कीमा करना करते हैं, हर ईद पे इस्तेमाल करें हम, घर वालों का भी, मतलब घर वाले मोहल्ले वाले जो मर्जी उसका कीमा करते हैं इसके अंदर बैठा के। सही, भले 50-50 रुपए पकड़ते रहे मोहल्ले वालों, पैसे बराबर होगा आपके, 50-50 रुपए ले लिया अगर आपने तो। ठीक है, ठीक है, उसके बाद फिर एक ये मेरे पास गिलास बॉल के अंदर है। गिलास बॉल में, अच्छा इसको पटक के नहीं दिखाऊंगा, गिलास बॉल में ये टूट जाएगा। ठीक है, ये इसकी प्राइस 3500 मार्केट पे, हमने 2800 रुपए का किया हुआ। अच्छा, ये अनब्रेकेबल नहीं है, ये ग्लास वाला ना, ग्लास टूट जाएगा, इसको फेंका तो इसके 2 पीस हो जाएंगे। सही, इसको नहीं फेंकना भाई, जो पहले दिखाया था उसको फेंकना है, इस वाले को। कहीं आप घर पे ये मंगवा के फेंक के देखेंगे, टूट रहा नहीं, टूटा हुआ ये गिरा और ये टूट जाएगा। सही, ठीक है, ये 2800 रुपए का, 2800 रुपए का। अब उसके बाद ये मैनुअल है, को दिखा दूं थोड़ा डेमो करके ताकि इजी हो जाए। ये ऐसे लगाना आपने इजी यहाँ पर इसको, ठीक है, ये आपने, अच्छा इजी भी जबरदस्त हो गया। इसमें 2 ब्लेड हैं इसके, एक ब्लेड इसमें लगा हुआ है और एक ब्लेड ये रहा। ठीक है, मतलब बारीक और मोटे 2 ब्लेड हैं इसके, जबरदस्त। ठीक है, आपने कीमा करना है, आप कीमा करें इजीली इसके अंदर, और ये इसके अगर आगे लगा के आपको, मतलब कीमा किसी चीज़ में भरना है उसके लिए, कबाब वगैरह का कीमा बनाना उसके लिए, तो ये लगा दें इसके अंदर, सिंपल सा। तो ये मार्केट प्राइस की 1700 रुपये है, हमने कर दिया सिर्फ 1350 रुपये का। अच्छा, ये क्वांटिटी में तो है ना, जो चीज़ क्वांटिटी में मैं वही दिखा रहा हूँ आपको, ताकि कस्टमर बाद में शिकायत ना करे कि वीट चीज़ होती नहीं हो रही। लोग बिल्कुल जो पहले ऑर्डर करेगा उसको मिलेगी। सही, अब ऐसा नहीं क्वांटिटी तो महीनों चले, बिल्कुल 10-15 दिन बहुत होता है बस, इससे पहले बकरा ईद तक चल जाएगा, बकरा तक तो मैं इतनी क्वांटिटी की बकरा तक आपको मिल जाएगा। ठीक है, और फिर भी जो पहले ऑर्डर करेगा वो फायदा उठानेगा। सही, उसी तरीके का सलाद कटर है, इस सलाद कटर इसके अंदर ही कद्दू गोश का है, ये बारीक कद्दू गोश है,
स्लाइसर है, जैसे वो लगाया था वैसे जो वो इस्तेमाल किया था उसी तरीके से ये भी इस्तेमाल होगा। अच्छा, सिंपल सा ये आपने इसके अंदर लगाना है, ठीक है, इसमें लगाना आपने, इसके पीछे इसका लॉक लग जाएगा ये यहाँ पे, और ये जमीन पे आपको उसको कुछ कर देना, हिलेगा नहीं फिर। ठीक है, सही। मार्केट प्राइस 1900 रुपए की है, हमने कर दिया 1450 रुपए। 1450 रुपए, ठीक है। अभी मैंने आपको दिखाया था ना, वो जबरदस्त फेस फ्रेशनर है ये, बड़ा वीआईपी सा बेहतरीन सा छोटा सा। और प्राइस इसकी दोबारा बता दें। 1000 रुपए का है, इसमें थोड़ी सी खुशबू डालकर आप उसको तो भी इस्तेमाल कर सकती हैं, कार में रख सकते हैं, घर में रख सकते हैं। बंद हो गया, टूट गया, ठीक है, गुड जी। देखिए उसके बाद ये ग्रिल है बड़े साइज की मेरे पास, मैं दिखा दूं। और ये बकरा ईद पे भाई बकरा ईद के हिसाब से बहुत अच्छी है, लाजमी सी बात है, लोग स्टेक बनाएंगे, कबाब बनाएंगे। अच्छा, ये 180 डिग्री पे पूरी ऐसे मूव हो जाती है। आपने स्टेक बनाना है तो आप ऐसे करके इजीली आप स्टेक वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। आपने बारबी भी बनाना है तो भी कर सकते हैं, अगर आपने पीनी पिज्जा बनाना है, सैंडविच बनाना है तो फिर आप उसको बंद कर दें। सही, सिंपल। और ये हैगर की है? हाँ, हैगर कंपनी की है, जर्मनी की है। इसकी मार्केट प्राइस 9500 रुपए की है, पर हम लोग दे रहे हैं उसे 6500 रुपए की। 6500। अच्छा, इसमें साइज ये क्या करना है या साइज का भी आता है? सबसे बड़ा साइज ही है, सबसे बड़ा साइज है, इसके बाद भी छोटा साइज है। एक साल पहले भी 6500 रुपए की थी, अभी भी 6500। और इसका छोटा साइज कितने का? छोटा साइज जो है इसका मैं दिखा देता हूँ, वो भी ठीक है, वो 4500 का था, मैंने अभी 4000 रुपए का किया हुआ है वो, ठीक है। शफी किलो, उसके बाद फिर घी ग्रिल है, ठीक है, ठीक है, छोटे साइज की है, ठीक है। इसकी मार्केट प्राइस 4500 रुपए की है, ठीक है। हम लोग से वैसे 4000 रुपए की दे रहे हैं, 4000 की दे रहे हैं। दो साइज में वैसे तीन साइज थे, बीच मीट वाला साइज जो था वो भी 6500 का ही था, ठीक है, पर वो खत्म हो गया अभी, वो साइज है नहीं। अच्छा, दो साइज है, 6500 की है और 4000 रुपए की है। आप सिर्फ स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लेकर भेज दें बस, बिल्कुल। आप लोग वीडियो में रेट इसलिए बताते हैं आपको रेट पता हो जाए, बात तो क्या रेट देखने के बाद भी पूछते भाई ये कितने की है तो बड़ा लंबा टाइम हो जाता है, क्योंकि एक एक बंदे के 20-30 मैसेज हैं, और माशाल्लाह मेरे मोबाइल पे कम से कम भी 2500-3000 मैसेज डेली के आते हैं। अब मैं अगर आपको रिप्लाई नहीं दूं एक दिन में तो आप बोलते हैं भाई ये तो रिप्लाई नहीं दे रहे। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, एक बंदे ने मुझे मैसेज किया होगा, उसका ऑर्डर डन हुआ, 3 दिन गुजरे हैं, आज उसके मैसेज आया कि आपने मुझे मेरे साथ स्कैम कर दिया है, आप फ्रॉडी हैं, आप मेरे पैसे खा के भाग गए हैं। तो मेरे भाई, मेरे पास 2000 से ज्यादा मैसेज होते हैं दिन में, ठीक है, और डेली के मेरे 250-300 पार्सल डेली के जाते हैं, ठीक है, रोज भरा के, सही। तो नंबर वाइज जाते हैं, जिसका जैसे ऑर्डर आएगा उसका उसी तरीके से ऑर्डर निकलता है, ठीक है, तो हर बंदे का ऑर्डर टाइम टू टाइम जाता है, सही। तो आप लोग भाई थोड़ा सा वेट किया करें, अगर सफर नहीं कर सकते तो भाई ऑर्डर नहीं लगवा, नहीं करें ऑर्डर, ठीक है। अगर सफर है तो ऑर्डर करें, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर इतने ज्यादा है तो हमें थोड़ा टाइम लगता है भेजने में, ठीक है जी। उसके बाद एक ये ग्रिल है, ठीक है, ये बड़े साइज की ग्रिल है, ये इस तरह की ग्रिल है, सही। लेडे आप ऐसे भी यूज कर सकती हैं इसको, कबाब वगैरह बनाना है आपको, स्टेक बनाना है ऐसे भी यूज करती हैं, आपको ऐसे रख के भी यूज कर सकती हैं, ये दोनों पर्पस भी हो जाएगी, ठीक है। 4500 मार्केट प्राइस है, पर हम उतरे से सिर्फ 4000 रुपए की, 4000। देखिए उसके बाद ये बकरा ईद लाजमी बात है, करीब है, तो बकरा ईद की मुनासिबत से चीजें दिखाएं तो ज्यादा बेहतर है। ये तो काफी जबरदस्त सेट है नंदन भाई, अरे बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत सेट है, इसकी शार्पनेस भी बहुत ज्यादा है, गुड क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा है ये, जबरदस्त हो गया। और ये कितने पीस का नंदन भाई? ये 6 पीस का है, ये जरा इधर मुझे दिखा दीजिएगा, एक नाइफ ये है, एक नाइफ ये है, ये इसका चूड़ा है, ये इसकी सीजर है, ये पीलर है, और ये छोटी नाइफ है, कंप्लीट सेट हो गया, कंप्लीट सेट है, ठीक है।
इसकी मार्केट प्राइस 3,000-3,500 अगर आप किसी मेगा स्टोर चले जाएं तो वहाँ तो माशाल्लाह 4,000-4,000 रुपए के भी हैं, 4,500-4,000 रुपए के भी हैं। पर हमारे पास पहले जो माल था हमने पहले 1500 का बेचा था, ठीक है, पर अभी थोड़ा सा लाजमी से बात है रेट थोड़े से पीछे बढ़ गया तो अभी 1800 रुपए का है, 1800 रुपए अभी भी ज्यादा महंगा नहीं है, 1800 रुपए का। अच्छा मेरे पास ये ब्लैक कलर जो है ना वो लिमिटेड है। अच्छा ब्लैक कलर लिमिटेड, ब्लैक लिमिटेड है। ये पिंक कलर मिल जाएगा, सेम चीज है, क्वांटिटी तो अवेलेबल है ना, क्वांटिटी बहुत है पर पिंक कलर ज्यादा है, पिंक कलर ज्यादा है, ब्लैक की क्वांटिटी में कम पड़ी है, ठीक है। और ये मार्बल स्टाइल, हां बात नहीं है तो दोनों सेम ही, ये कुटेड हुआ है, उसको पिंक कुटेड हुआ है, उसको ब्लैक कुटेड हुआ है, इसको पिंक कुटेड हुआ है। अच्छा तो कस्टमर बाद में ये ना कहे कि भाई हमने ब्लैक मंगवाया था आपने पिंक भेज दिया, ठीक है, तो दोनों चीजें सेम है, सिर्फ कलर डिफरेंस है, दिखा देते हैं, कलर डिफरेंस है बस, ठीक है। अच्छा इसमें दो ही कलर है ना? हां दो कलर है इसके अंदर, सिर्फ पिंक कलर और ब्लैक कलर, ब्लैक कलर की क्वांटिटी कम है, जिसको मतलब मिल सकेगा मिल जाएगा, वरना उसका पिंक कलर ही मिलेगा आपको, ठीक है। मार्केट प्राइस के तकरीबन 4,000-4,500 रुपये, हम लोग देना 1800 रुपये का, ठीक है, 1800 रुपये का पड़ेगा, ठीक है, राइट जी। उसके बाद मैं दिखाता हूँ, मुझे रोटी मेकर है, बड़ा गैस का इशू चल रहा है, दोबारा से हो गया, हालांकि अब तो गर्मी, हाँ हालांकि गर्मी होता नहीं है गैस का इशू, पर गर्मियों में भी गैस का इशू क्यों हो गया। रोटी मेकर 10 इंच का साइज है इसका, नॉन स्टिक प्लेट के ऊपर है। अच्छा ठीक है, इजीली आराम से पका सकते हैं, अपने पेड़ा रखना है, उसको बंद करके हल्का सा प्रेस करना है, ठीक है, टेम्परेचर खोलना है, ठीक है, थोड़ी देर के बाद आपको खोल कर उसको रोटी को पलटना लाजमी है। अच्छा आपने रोटी नहीं पलटी तो ये रोटी नहीं पापड़ बनाएगा, तो बाद में क्या करते हैं रख के छोड़ देते हैं, भाई पलटना भी है उसको, ठीक है, आप पलटेंगे तो काम होगा वरना पापड़ बन जाएगा, सही। और क्या प्राइस है इसकी? 5,800 रुपए इसकी प्राइस मार्केट चल रही है। अच्छा 6,000-5,800 पर हम लोग दे रहे हैं, उसे 5,200 रुपए का, 5,200 रुपए का, जबरदस्त। देखिए केक मेकर है, बड़ा अच्छा इसका तो लुक ही माशाल्लाह काफी प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारी चीज है, दिखा दूं उसको भी निकाल के कस्टमर को, ये है ये केक मेकर साहब है, ठीक है, जबरदस्त निकाल सकते हैं आप। अच्छा इसमें कलर है ना, में ब्लैक ही आता है या रेड कलर भी है? रेड कलर भी है, रेड कलर भी है, ठीक है। अच्छा ठीक है, सही पर हमारे पास आपको पड़ेगा सिर्फ 3,300 रुपए का, 3,300 रुपए का, जबरदस्त हो गया। ये देखें भाई इसका लुक गुड हो गया, ले लो भाई जी। देखिए ब्लेंडर है मेरे पास उसके बाद ना, ठीक है, ये इंपोर्टेड ब्लेंडर है, अच्छा मतलब अच्छी क्वालिटी के हैं, एक आधा लोकल जो पाकिस्तानी गुजरा वाला का बना होता है, बाहर के हैं, क्योंकि फिनिशिंग ही आपको बता रही हूँ कि क्वालिटी कैसी है इसकी, ठीक है। इसमें 3-in-1 स्काईवुड कंपनी का, ठीक है, ठीक है, 3-in-1 पड़ेगा आपको 4,500 रुपए का, और इसका 2-in-1 जो है वो पड़ेगा आपको 3,800 रुपए का। अच्छा 3,800 और 4,000, ये अनब्रेकेबल है, अनब्रेकेबल है और क्वालिटी में बहुत अच्छा है, अच्छा ठीक है। ये वही सुरहान का मैंने आपको जो दिखाया था 4,200 रुपए का, सही 4,200 रुपए का, 4,000 रुपए कर दिया ये, चलें ठीक है, बस 4,000 रुपए। ये चोपर मैं आपको दिखा चुका हूँ, ये वाला चोपर आपको मैं दिखा चुका हूँ, ठीक है। ये जर्मनी का थर्मास है, स्टील बॉडी है, फुल स्टील का ये, अंदर बाहर दोनों तरफ से स्टील है, ठीक है, 4,500 मार्केट प्राइस है, सिर्फ उसे 2,500 रुपए का देंगे हम। व्यूअर्स जो है वो इलेक्ट्रिक केटल बहुत पसंद करते हैं, तो आज मुझे दिखाई नहीं दे रही है क्या इलेक्ट्रिक केटल? में बस 3 तरह की है। अच्छा एक केटल ये है, ठीक है, एक केटल ये है, ये वाली पड़ेगी 1,100 रुपए की। अच्छा एक केटल ये है, काफी प्यारी है, जबरदस्त इसका लुक दिखा दे अंदर से। तीन कलर है, गुड, तीन कलर इसके अंदर, वो 1,100 रुपए की थी, ये 1,600 रुपए की है, 1,600 की, ठीक है। उसके बाद एक और दिखा देता हूँ मैं आपको जी, जो कम की है, उसके बाद फिर एक ये है कैटल, ये 950 रुपए की, 950 रुपए, ठीक है। ये तीन कैटली है हमारे पास, ओके। तो हमारे पास फोल्डिंग कैटल भी थी जी, जो कि मैंने एक ऑनलाइन वाले बंदे को दी थी सारी, तो जिसकी वजह है नहीं, खत्म हो चुकी है, सही। मैंने आपको वो भी दिखा था। अच्छा ये फिलिप्स की छोटी ग्रिल की, इसकी प्राइस हम बता चुके हैं
सैंडविच मेकर, सॉरी सैंडविच मेकर। हाँ जी, मैंने बताया 2000 रुपये का, स्टार्ट में बताया 2000 रुपये प्राइस है। ठीक है जी। देखिए ये डॉबर कंपनी का है, कोरियन कंपनी है, ये हैंड ब्लेंडर सेट है, बीटर है, जगह और चॉपर है। अच्छा नॉर्मल, ठीक है, 5500 प्राइस है, 4500 रुपये करीब, 4500 रुपये, ठीक है। इसके अंदर 2-3 नाम से मिल जाएगा आपको अलग अलग। और एक विटामैक्स के नाम से, ये वाला विटामैक्स के नाम से 3500 रुपये का पड़ेगा, 3500। सेम वही है, हैंड ब्लेंडर है, चॉपर है, बीटर है, ठीक है। उसकी मोटर थोड़ी हैवी है, इसकी 4500 का है पूरी कंप्लीट का। उसके बाद ये एयर फ्रायर की बड़ी डिमांड थी, ठीक है, बड़ी कस्टमर डिमांड करते थे एयर फ्रायर, तो एयर फ्रायर भी आ गया मेरे पास। ये सुकैनी कंपनी का है, डिजिटल है फुल, ठीक है, ये पड़ेगा 10500 रुपये का। अच्छा नानी, इसको अंदर ले जाके दिखा देंगे, निकाल के डोर डेमो करके दिखाते हैं, दिखा देंगे बाद में उसको अंदर ले जाके। मैं आपको वैसे ही दिखा देता हूँ, 10500 रुपये का पड़ेगा ये वाला, 10500 रुपये का पड़ेगा, ठीक है। ये डो मेकर है, ठीक है, वेस्पेड कंपनी का, बहुत अच्छा है, मैं अंदर ले आके आपको डेमो करके दिखाऊंगा उसका भी, ये 12000 रुपये का पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये एप्पल इनका सेट है 6-in-1, इसमें स्टीमर है, चॉपर है, मतलब 3-4 चीज़ अलग अलग तरीके की है, ठीक है। 4500 रुपये प्राइस से 4000 रुपये की है इसके, 4000 का पड़ेगा। अच्छा, और एक एयर फ्रायर ये है मेरे पास सिल्वर किस कंपनी का, ठीक है, 9500 प्राइस से 9000 रुपये की है, 9000 रुपये कर दिए, ठीक है। उसके बाद फिर एक ये है, ये डो मेकर प्लस ब्लेंडर है, अच्छा, ठीक है, कांच का जगह इसका, और फिर डो मेकर भी बड़े साइज का और हैवी, अच्छा, हैवी क्वालिटी का बना हुआ, मतलब इसकी मार्केट प्राइस कम से कम भी 35000 रुपये, हम लोग दे रहे हैं सिर्फ 19500 रुपये का, 19500 रुपये का। अच्छा, फिर रूम कूलर है मेरे पास, अच्छा, अलग अलग, और रूम कूलर मेरे पास थोड़े कॉस्टली है, 48000 का भी है, 40000 का भी है, 38000 का भी है, अलग अलग क्वालिटी, अलग रेट के सारे। एयर फ्रायर है, ठीक है, सुकैनी कंपनी का। अच्छा, मैं दिखा दूँ आपको निकाल कर इसको, टच सिस्टम है पूरा ऊपर इसके, ठीक है, ये टाइमर है, ये टेम्परेचर है, अच्छा, आपने टाइमर सेट करना है, टेम्परेचर सेट करना है, जो चीज भी पकानी है आपने, चिकन हो गया, फ्राइज हो गया, जो भी चीज है। इसका बॉल है, ठीक है, जिसके अंदर फैन लगा हुआ था नीचे, एलिमेंट है इसका, ओके, मार्केट 13500 रुपये की है इसकी, ठीक है, पर हम लोग दे रहे हैं सिर्फ 10500 रुपये का, 10500 रुपये का, ठीक है, मार्केट 13500 रुपये का मार्केट में बिक रहा है। अच्छा, वैसे किसी और कंपनी के 20-22000 रुपये के एयर फ्रायर है, पर हमारी शुरू से कोशिश रही है कि कम से कम दाम में दें ताकि कस्टमर खुश हो जाए। उसके बाद ये डोमेकर है, डोमेकर, ठीक है, मैं इसको भी दिखा दूँ निकाल कर, ये बीटर है, ठीक है, ये इसकी डॉ के लिए है, अच्छा, और एक और ऑप्शन है, तीन है ना इसके लिए, तीन ऑप्शन, अच्छा, है, और इसमें कलर यही आता है नंदी, हाँ कलर इसमें एक ही है, ये लॉर्ड वाला माल है, लॉर्ड के अंदर कलर का बड़ा होता है कि मतलब सिलेक्टेड कलर ही मिलते हैं इसके अंदर। अच्छा, और इसकी प्राइस दोबारा बता दीजिए, 18500 रुपये प्राइस है इसकी, आप नेट पर चेक कर लें या किसी की वीडियो में चेक कर लें, कहीं भी देख लें, 18500 रुपये, पर एमिटेड आपको मिलेगा सिर्फ 12500 रुपये का, 12500 रुपये का, आपको पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेगा, इस रेट के ऊपर गारंटी है। सही। अच्छा, लास्ट में अदनान भाई अपनी शॉप का जो है कांटेक्ट नंबर भी शेयर कर दीजिए और एड्रेस भी एक बार दोबारा से बता दीजिए। देखिए एड्रेस बिल्कुल सिंपल सा है, मेरी पुरानी शॉप जो है वो गुलप्लाजा की मतलब अपोजिट है, फ्रंट के ऊपर है, मेन रोड के ऊपर, एमजीना रोड पर, आपने एमजीना रोड नहीं जाना है, आपने गुलप्लाजा की बैक साइड पर आना है। सही, सही, अपोजिट नहीं जाना है, बैक साइड पर आना है, बैक साइड पर आएंगे तो सिटी मॉल है, सिटी मॉल के बिल्कुल बराबर में है गाजियानी, ठीक है, ठीक है। अगर आप लोग इस तरफ से आते हैं जुबली की तरफ से, तो पहले आपको सेंट्रल पड़ेगा, सेंट्रल के बिल्कुल बराबर में आपको गाजियानी पड़ेगा, ठीक है। फ्रंट पे दुकान है मेरी 6, 7, 10 और 11, 6, 7, 10 और 11 फ्रंट के ऊपर दुकान है, बाहर जो मेन पिलर है मतलब मार्केट के जो, उस पर भी मेरा साइन बोर्ड लगा हुआ है, मार्केट के बाहर साइन बोर्ड लगे हुए हैं, माशाल्लाह, मतलब सब चीजें लगी हुई है, आपको दुकान ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी, इजी है। अच्छा, कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दीजिए आप। हाँ, और दूसरी बात यहाँ पर जो है कि पार्किंग का कोई इशू नहीं है, सब कुछ आप पार्किंग कर सकते हैं, और नंबर आपको हमारे पता है, ट्रेन वाला नंबर है, दोनों नेम का नंबर है 0345-3132-3132-844, ये नेम का नंबर है, 844, इस पे सिर्फ और सिर्फ कराची वाले रब्ता करेंगे। अच्छा, ठीक है, कराची वालों के अलावा कोई भी इस नंबर पर रब्ता करेगा उसका ऑर्डर डन नहीं होगा, ठीक है। और 0345-0345-3138
3138275 मेरा नंबर है। ठीक है ठीक है, मैं टोटल कराची से बाहर वाले देखता हूँ। अच्छा ठीक है भाई, अगर आपको बर्दाश्त है सफर कर सकते हैं तो भाई ऑर्डर कीजिएगा, वरना आप माजर के साथ भाई ऑर्डर ना करें। अच्छा ना भाई, मैक्सिमम कितना टाइम लग जाता है? देखिए मैक्सिमम मेरा पर डे डेली के 200-250 पार्सल होते हैं डेली, और मैं अकेला बंदा काम करने वाला हूँ, मुझे कोई ऐसा बंदा नहीं मिल रहा है इस तरीके का जिसको मैं रखूँ जो काम को संभाल सके। सही, तो मैं पर्सनली खुद मैं देख रहा हूँ काम को, तो लाजमी बात है लोगों के पुराने भी मसले हैं, किसी के पार्सल रुके हुए हैं, किसी के कोई पेंडिंग के पार्सल हैं, वो भी निपटाता हूँ, वो भी देखता हूँ, ये भी देखता हूँ, तो थोड़ा सा टाइम हो जाता है। ऊपर से कंपनी ने मुझे एक लिमिट दी हुई है कि भाई मुझे रोज से 100 पार्सल दो। ठीक है, उनकी भी एक लिमिट है बिल्कुल, तो वो फिर अपने हिसाब से लेके जाते हैं। मैं पार्सल तो दे देता हूँ उनको पैक करके, पर थोड़ा टाइम वो लोग भी लगाते हैं। सही, कम से कम भी 10 दिन तो लगते हैं भाई। अगर आप सफर कर सकते हैं तो ऑर्डर की करें, वरना ना करें, गालियां बकते हो। हाँ वो तो है। अब आपको ऑर्डर नहीं मिल रहा, थोड़ी सी देर हो गई, तो भाई वो बोलेंगे आपने हमारे साथ फ्रॉड कर दिया, आपने स्कैम कर दिया, हमारे पैसे खा लिए, जबकि ट्रैकिंग सेंड कर दी उनको मैंने। अब मैंने उनको ट्रैकिंग सेंड की, उनको प्रूफ है उनके पास कि भाई उनका पार्सल निकल चुका है, निकल चुका है, फिर भी लोग मतलब इतने बेसब्र हैं, उनको इंतजार ही नहीं करते। ठीक है भाई, अगर आप सफर कर सकते हैं तो ऑर्डर करें, नहीं सफर कर सकते तो भाई माजरत, अगर वेट नहीं कर सकते तो भाई फिर माजरत के साथ आप ऑर्डर ना करें, क्योंकि देखिए सीधी बात है, मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी बर्दाश्त है, एक पूरा दिन शॉप पे बैठ के कस्टमर डील करना, फिर मुझे पार्सल देखना, पैक करना, सारे काम मेरे हैं, तो मैं फिर पक जाता हूँ। अगर किसी से बदतमीज हो जाती है, कोई मेरा उल्टा जवाब किसी को दे देता हूँ, तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ भाई। ठीक है, थोड़ा सा मेरा दिमाग गर्म है, नहीं थोड़े ठंडे मिजाज का है, लोग उसको बड़ा पसंद करते हैं, मैं थोड़ा कड़क मिजाज का हूँ, मेरा लहजा थोड़ा अलग टाइप का है, तो भाई कोई बात किसी को बुरी लगती है तो मैं माजरत चाहता हूँ। ठीक है, आपका पार्सल जो भी है देर सफर होगी मिलेगा जरूर आपको। अच्छा नाम भाई, साथ में ये भी बता दीजिए, वैसे तो सबको पता है लेकिन एक बार फिर से बता दीजिए, ऑनलाइन डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान है ना? हाँ, पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी है, और हमारा कराची से बाहर टोटल एडवांस पेमेंट के ऊपर है। ठीक है ठीक है, कराची में हमारा सीओडी है। ठीक है, कराची से बाहर कोई भी चीज मंगवाते हैं आप तो आपको पेमेंट पहले करानी है, उसके बाद। और दूसरा मेन क्वेश्चन जो होता है, संडे शॉप ओपन है? संडे को शॉप बंद होती है, मैं 1000 बार बोल चुका हूँ। लास्ट संडे को मेरी एक बंदे से इसी बात के ऊपर बहस हुई, मैं थोड़ा तल्ख भी हो गया था, उससे भी माफी चाहता हूँ भाई, मैं अगर हो सकता तो मुझे माफ कर देना भाई। सुबह 6:30 बजे भाई मुझे कॉल कर रहे थे वो, कराची के थे माशाल्लाह, कोई बैठे इतना पूछने के लिए भाई आपकी दुकान आज खुली है सुबह 6:30 बजे। अच्छा, तो मेरे भाई संडे का दिन हमारा भी होता है, हम भी मतलब फैमिली फैमिली वाले, तो फैमिली को टाइम देते हैं। संडे के दिन थोड़ा सा एहतियात किया करें, भले मैसेज कर दें, कॉल से थोड़ा सा यार माजरत कॉल ना किया करें संडे के दिन, तो खास तौर पर कॉल तो वैसे ही हम नहीं उठाते, पर संडे को तो वैसे ही नहीं किया करें भाई आप कॉल। ठीक है, थैंक यू सो मच।